हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बनर। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं मोटोरोला मोटो जी 13 की डिटेल्ड वीडियो। सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं, बहुत सारे डिटेल बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वाला फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं तो आपको फ़ोन ट्रांसपेरेंट बैक कवर, उसी के साथ आपको सिम इजेक्टेड टूल, 10 वाट का चार्जर, टाइप ए टू टाइप सी जो है केबल दिखेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो कलर जो मेरे पास है वो है लैवेंडर ब्लू, बोलो कह रहे हैं। एक और है मैट चारकोल करके, जो एक और ऑप्शन देखेगा, मतलब कि ब्लू और ब्लैक आप कह सकते हो। मेरे पास जो कलर है इस तरह से दिखता है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि मैट जैसा फिनिश आपको दिखेगा, तो मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा नहीं कि बहुत चमकता नहीं है, लेकिन मैट फिनिश है जो है। इधर एक और चीज़ है कि IP52 वाटर रिप्लीमेंट बोला जाता है इसको, तो ये वाटर के छींटे वगैरह या फिर डस्ट वगैरह बहुत ही कम पकड़ेगा। वाटर प्रूफ नहीं है एक्चुअली, पानी में आप इसको मत डुबाइएगा। और इसके राइट साइड में आपको पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट एक ही साथ दिया गया है, थोड़ा बाहर निकल के पावर बटन। और इसी साइड में आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन दिया गया है, जो इधर से आप देख ही सकते हो राइट साइड में। और इसके ऊपर की तरफ बात करते आपको जो है ऑडियो जैक दिया गया है, डॉल्बी एटमोस लिखा है ऊपर की तरफ। और इसके लेफ्ट साइड की बात करते हो इधर आपको सिम इजेक्टेड टूल दिया गया है, जो ही आप देख ही सकते हो कि ट्रिपल सिम स्लॉट है। और इसके नीचे की तरफ बात करें तो आपको जो है मिक देखने मिलने वाला है, और आपको टाइप सी पोर्ट और स्पीकर दिया गया है। और इसके स्क्रीन की तरफ गौर करें तो आपको पंच होल कटआउट में जो है स्क्रीन दिया गया है, 6.5 इंच HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और इसके ऊपर की तरफ आपको ईयरफोन दिया गया है, और ये एक्चुअली सेकेंडरी स्पीकर भी है, जो ड्यूल स्पीकर कहते हैं इसको। HD+ है, फुल HD नहीं है। एक चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है कि इसके डिस्प्ले के ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टेड फिल्म नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस फ़ोन को बाय कर रहे हैं तो ऊपर एक जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर चढ़ा देना। YouTube पे अगर आप 2K60fps इस पे वीडियो चलाएंगे तो ये थोड़ा लैग करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इधर पानी इस तरह से आ रहा है। तो आप जो है हाईएस्ट सेटिंग इस डिस्प्ले के ऊपर आप ए वाला सेट करके अगर प्ले करोगे, इस सेटिंग पे बहुत ही अच्छी तरह से जो है देख पाएंगे व्यूज़ को, आपको देख सकते हो एंगल्स इस प्रकार से, और इसमें बहुत ही अच्छा चलेगा। जो मार्केट में और HD+ है उससे तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा इसका डिस्प्ले। और हाँ, आप इसको बाहर डायरेक्ट सनलाइट में भी देख पाएंगे, विजिबल है, मैंने देखा है। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डायरेक्ट सनलाइट में विजिबल होना थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन हाँ विजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे, सब कुछ क्लियर है। हाँ, बहुत हद तक जो है ब्राइटनेस ज़्यादा है, मतलब कि जो अदर्स एमोलेड फ़ोन में दिया जाता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन हाँ विजिबल है, आप देख पाएंगे। कैमराज की बात करते हैं तो आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जो उधर आपको 50 MP का मेन कैमरा, फिर आपको 2 MP का जो है आपको डेप्थ सेंसर, और इस साइड में जो है 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है फ्लैश के साथ। तो कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ नॉर्मल वाले फ़ोटोज़, और ये आप देख सकते हो जो मैक्रो कैमरा से मैंने फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। वहीं पे सेल्फी की बात करें तो आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो मुझे लगता है कि नॉर्मली है, लेकिन हाँ थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था इसका सेल्फी। पीछे का कैमरा जो मेन कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कैमरा इंटरफेस में बहुत सारे फीचर्स दिया गया है जो आप एक्सेस कर सकते हो, और जैसे कि कैमरा सैंपल्स में आपको दिखाया है कि फोटोज़ वगैरह अच्छे आ जाते हैं डेलाइट कंडीशन में। नाइट कंडीशन में भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे अच्छा ही लगा पीछे के कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी मुझे ठीक ठाक लगा, जो मार्केट में इस प्राइस पॉइंट में जो सेल्फी दिया जाता है रियलमी और ओप्पो को छोड़कर, तो बाकी सब से कंपेयर करो तो ठीक ठाक ही है। अदरवाइज रियलमी का कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रंट कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन हाँ 8 MP कैमरे के हिसाब से जो फोटोज़ आता है वो नेचुरल है, कोई भी आपको कलर सेचुरेशन जो है ज़्यादा बढ़ाकर नहीं देता। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हेलियो G85 वाला प्रोसेसर दिया गया है, और ए वाला प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम ठीक बैठता है जो मुझे लगता है। और ए वाला प्रोसेसर के अंदर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेल सकते हो इस सेटिंग के ऊपर, और इधर आप फ्री फायर गेमिंग करते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। फ्री फायर मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो गेमिंग आप थोड़े बहुत कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत ही हाई फाई गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन हाँ गेमिंग अगर आप करते हैं तो आप टाइम पास के लिए गेम फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम आप इस सेटिंग के ऊपर खेल सकते हैं। 4GB 128GB 10,000 रुपये का आता है, जिसमें से 110GB फ्री था
फाइल मैनेजर में जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पर बैटरी दिया गया है, तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपका आराम से डेढ़ दिन चल जाएगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो एक दिन मुश्किल से जाएगा। ये डिपेंड करता है यूज़र की यूसेज के हिसाब से कितना जो है बैटरी बैकअप जाएगा। HD प्लस डिस्प्ले है तो बैटरी कंज्यूम थोड़ा कम ही होगा। 5000 मिली एम्पर बैटरी तो है लेकिन 10 वाट का चार्ज सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग में आपको जो है ये थोड़ा लेट होगा। फास्ट चार्जिंग नहीं है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन टाइप सी पोर्ट है तो उसमें एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, 10 वाट का चार्जर है तो चार्ज थोड़ा स्लो ही होगा। ओ भाई, इस प्राइस पॉइंट में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है, वो भी डॉल्बी एटमोस का। जैसे कि आपने स्पीकर में सुना, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप वीडियो देखते टाइम यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड FPP 10 सेकंड के लिए आ गया है, फिर गाना पीछे क्यों ना करते हैं, तो साउंड सेकेंडरी जो स्पीकर में ये जो साउंड है ये थोड़ा बाद में प्ले होता है। आप नोटिस कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी मैं प्ले करता हूँ, अभी इसमें बजता है, इसके बाद थोड़ा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स। और आपको तो मालूम है कि Motorola जो है आपको नियर स्टॉक एक्सपीरियंस देता है। और जैसे कि मैंने आपको जो सेटअप करके दिया था वो सेटअप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ही सेटअप कीजिएगा, तो आपको बहुत ही कम जो है मतलब कि दिखेगा ही नहीं जो है ब्लोटवेयर्स फालतू के, ऐसा आपको दिखेगा ही नहीं अगर वो सेटअप आप करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वो भी ऑफलाइन, वो मैंने आपको दिखाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है, और यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया कि आपको एक साल का मेजर अपडेट मतलब कि एंड्रॉयड 14 आपको मिलेगा जब आएगा, उसके साथ साथ 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। कॉल रिकॉर्डिंग एक गूगल वाला आता है, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। फिंगरप्रिंट आप देख ही सकते हो कि फास्ट है, मैं टैप करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक भी आप देख सकते हो कि फास्ट है, बिना चश्मे के भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और Motorola के कुछ फीचर्स जो होते हैं एक्चुअली इस तरह से करेंगे तो आपका जो है कैमरा ऑन हो जाएगा, इस तरह का फीचर्स, या फिर चेक करने से जो है फ्लैश लाइट ऑन ऑफ वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। फोन FM रेडियो भी है जो आप ईयरफोन लगा के यूज़ कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 4G फ़ोन है, लेकिन 4G प्लस जो करियर एग्रीगेशन है, 4G प्लस प्लस जो शो करता है वो इसमें नहीं है। ड्यूअल वाईफाई बैंड है तो ये अच्छी बात है, लेकिन 4G प्लस करियर एग्रीगेशन होना चाहिए था ये मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, यही था Motorola का Moto G13 की डिटेल वीडियो। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है कि HD प्लस डिस्प्ले है और 4G प्लस करियर एग्रीगेशन नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, वैल्यू फॉर मनी वाला फ़ोन है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। और हाँ, 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये भी एक टाउन पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी 18 वाट आ जाता है, तो कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल कि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ आता है, मतलब कि फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आपको शो करता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास फ़ोन आएगा और डिलीवरी बॉय आपके सामने ही बॉक्स खोल के सील तोड़ेगा और आपके फ़ोन चेक करेगा, चार्जर चेक करेगा, सब कुछ मतलब कि देखेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद ही आपको फ़ोन देगा। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी का एक फ़ायदा है, तो मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कैश को वापस ले सकते हो, अगर कैश ऑन डिलीवरी पे ले रहे हैं तो। अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न या फिर रिफंड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आप जो है ले सकते हो। आपके सामने खोल सकूँ इसलिए मैं अपने रिस्क के ऊपर लिया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं सील के साथ ले रहा हूँ और इसमें कोई फ़ोन की जगह कोई फ़ोन डैमेज वगैरह हो तो रिटर्न या फिर रिफंड में बहुत ही झमेला हो जाएगा ना, मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं अपने रिस्क पर लिया था।